हिजाब पर छिड़े विवाद के बीच मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का एक बयान सामने आया है, जिसमें मौलाना ने कहा कि जो लोग हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। हिजाब एक लिबास है जिसको मुस्लिम महिलाएं अपने आप को ढकने के लिए पहनती हैं। मौलाना ने सीएम योगी के ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए गए बयान पर भी कड़ा एतराज जताया है। हिजाब एक लिबास है और ये लिबास मजहबी एतबार से मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, और चूंकि इस्लाम ने पर्दे में रहने के लिए औरतों को हुक्म दिया है, इस वजह से हिजाब को अपनाया जाता है और मुस्लिम महिलाएं अपने जिस्म को ढक लेती हैं। इससे बहुत सारे जो फितने उभरते हैं, उभरने वाले होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। चूंकि शरीयत ने महरम और नामहरम की तकसीम की है, तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि मुस्लिम महिलाएं और ख़वातीन हिजाब का इस्तेमाल करें। अब वो इस पर शोर मचाना कि हिजाब पे बैंड होना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए, ये जहनी दिवालियापन की बात है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुद मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने संविधान का जिक्र करते हुए आगे कहा, आजाद भारत में हर महिला पुरुष को अपनी मर्जी से पहनावे की इजाजत है, लेकिन आज देश में पहनावे को लेकर अजीब बातें की जा रही हैं। कौन क्या पहने और क्या खाएगा, इसका निर्णय दूसरे लोग करेंगे। खान पान और महिलाओं के पहनावे पर प्रतिबंध की बात करने वाले लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं। ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान वो हर शख्स को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, महिला और पुरुष को, सबको इस बात की इजाज़त देता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा लिबास पहनना चाहें पहने, जैसा वो खाना चाहें वो खाएं। क्या अब ये तय किया जाएगा, दूसरे लोग तय करेंगे कि तुम्हें क्या खाना है और तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हारे किचन में क्या पकना चाहिए क्या नहीं पकना चाहिए, टेलर से कौन सा लिबास तुम्हें सिलवाना है या कौन सा लिबास तुम्हें नहीं सिलाना चाहिए, क्या दूसरे लोग तय करेंगे? इससे ज्यादा तोहफा तमाशा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है वो कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना है और इसको हवा देना है और समाज के दरमियान, देश के दरमियान एक नफरत पैदा करना है। ऐसे लोग जो कहें वो हेट स्पीच के दायरे में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होना चाहिए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर सीएम योगी के बयान की भी मौलाना ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण बताकर उसे विश्वनाथ मंदिर कह रहे हैं। सीएम की जुबान से ये बात शोभा नहीं देती है। हालांकि कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे कदम के लिए मौलाना ने सीएम योगी की तारीफ की है। जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूर्व में कई बार अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। अक्सर देश दुनिया के मुद्दे पर उनके बयान आते रहते हैं, जिन पर विवाद भी रहता है, लेकिन इस बार मौलाना रिजवी बरेलवी ने अपने बयान से भाजपा और सरकार पर निशाना साधा है। हिजाब पर प्रतिबंध की बात करने वालों को कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा बताकर कार्रवाई की मांग उठाई है, जबकि भाजपा और सरकार से जुड़े संगठन और उनके समर्थक कहीं न कहीं इस मांग को करने वालों में शामिल हैं। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सीएम योगी के बयान पर पलटवार कर मौलाना अब क्या कुछ नए संकेत देते भी दिख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।